राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इस संबोधन के पहले ही लालू यादव ने साफ कर दिया है कि भले ही उनकी उम्र ज्यादा हो गई हो, लेकिन राजनीति से वह कभी रिटायर नहीं होंगे। एक हिंदी दैनिक को दिए इंटरव्यू में लालू यादव ने न केवल अपने बल्कि बिहार की राजनीति समेत देश की राजनीति से जुड़े हर सवालों का जवाब भी दिया है। लालू यादव ने कहा है कि 1997 में हमने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल बनाया था। आरजेडी अभी 25 साल की युवा पार्टी है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने राजनीति से रिटायरमेंट लेने का तय कर लिया है, लालू यादव ने कहा कि नेता कभी रिटायर नहीं होता और ना ही मार्गदर्शक होता है। मार्गदर्शक जैसे शब्द हाफ पैंट वालों के कॉपीराइट में है। लालू का निशाना बीजेपी और संघ पर था। देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ बिहार में सरकार के ऊपर मंडरा रहे संकट के बादल को लेकर जब लालू यादव से सवाल किया गया और यह पूछा गया कि क्या लालू नीतीश एक बार फिर से साथ आ सकते हैं, तो आरजेडी सुप्रीमो ने दो टूक कह दिया कि नीतीश कुमार रीढ़ विहीन नेता है। राजनीति में रीढ़ की हड्डी का बहुत महत्व है, जो नीतीश कुमार खो चुके हैं। साल 2015 में तमाम अंतर विरोध के बावजूद महागठबंधन को जीत दिलाई गई थी। हमने ज्यादा सीटें जीती, उसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार 2.5 साल बाद ही अप्रत्याशित तरीके से जनादेश को धोखा देकर भाग गए। अब पलटी मार नीतीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राजनीति में सिद्धांत, नीति, नियति और रीढ़ की हड्डी का महत्व अधिक है, जो नीतीश खो चुके हैं। खुद को किंग मेकर बताए जाने के सवाल पर लालू यादव ने कहा कि यह सब मीडिया का दिया हुआ नाम है। लालू ने कहा कि उन्हीं की वजह से वह पूरी तरह से ठीक हो पाए, जनता के बीच जाएंगे। बिहार की गरीब जनता उनका इंतजार कर रही है। लालू यादव ने कहा कि 2024 में देश की राजनीति बदलेगी। मोदी का विकल्प 2024 में कौन हो सकता है, इस सवाल के जवाब में आरजेडी सुप्रीमो ने कहा, जो भी चेहरा होगा वह तानाशाही, अहंकार और आत्मुग्धता से कोसों दूर होगा। मोदी का विकल्प उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक प्रगतिशील एजेंडा ही हो सकती है। एक बार जब लोग मोदी के विकल्प को समझ लेंगे तो चेहरे पर भी संशय खत्म हो जाएगा।